दर्शकों ने राम राम, मैं मनजीत कोथ। फिलहाल जींद में हाँ, जींद सदर थाना में। और आप लोगों ने बताना चाहूँगे, एक मामला दो तीन दिन पहले सुसाइड का आया था कि जो बाहरी गांव के, जो बाहरी जिला करनाल मावा गांव, उस गांव की बेटी थी और किन्ना ने बह रखी थी। परिवार का आरोप है कि उस लड़की को मारा गया है, लेकिन कुछ लोग उठाए गए थे, लेकिन इनका कहना है कि वो छोड़ दिए। आज पूरा का पूरा बाहरी गांव आपने दिखाना चाहेंगे, थाना में भरिया है, जो सदर थाना जींद का आपने दिखने लायक रहा, इसमें पूरा पूरा गांव आ रहा है, सारी जाति के लोग पहुंच रहे हैं। तो पूरा पूरी बात पूछेंगे, आखिर पूरा के कुछ मामला है, लेकिन बातचीत हुई है। अभी 15 मिनट का टाइम दिया गया था, शायद एसपी आओ थे या डीएसपी आओ थे, बातचीत उनका अगले होनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा पहुँच गया है ताकि किसी तरह की कोई जाम वगैरह की ना संभावना हो उसके, कुछ इस तरह की ना हो उसके। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की कई गाड़ियाँ पूरा पहुँच गई है। तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। मामला भाई ये थोड़ा मैं गांव बारिश है, मेरा नाम सुभाष है। हाँ। मैं लड़की का भाई हूँ। अच्छा, आप लड़की भाई, लड़कियाँ क्या नाम था? कविता जी। कविता, तो क्या कुछ है ये पूरा मामला बताइए जी। मेरा बाप बड़ा है, डेढ़ महीना सारा रहा जी खतरे के उस्ता जी। हाँ। छोरी को पीटता था, रात को मारता था, दारू पी के आता था। अच्छा। पाँच छः बारी पंचायत भी हुई जी। हाँ। नोष्टी चौकी में पंचायत हुई जी पाँच छः बारी। हाँ। मेरा बाप जाना रहा गाँव के किनारे के लोग भी, जो अच्छे लोग थे वे उसके साथ जाए कर गए। तो जी पंचायत हुई जी, पांच पंचायत हो गए जी, फैसला भी हो गया, राजी बंदा भी होया जी। हाँ। फिर जी इसने फिर दोबारा मारपीट करी जी लड़की के साथ। अच्छा। इसका सिर भी पैट दिया जी, तो वे गिलो जी। कितने दिन पहले बात है ये? हो गया दो महीने ढाई महीने हो गए जी। अच्छा। इसने जी सिर पैट दिया था जी, मैं भी गया था जी। मैं बोले तने क्यों मारा इसका, मैंने इसका दर्द दिए है जी रेपटे। कुछ नशा वगैरह करा? नशा करा, समैक्ट सुल्पा दारू सारी चीज़ पीता है जी। देखा आपने नशा करता? हाँ, नशा जी खुद मैंने जाकर देख लिया, दारू नशा स्मैक पी कर रहते ना लड़की को, बैर बच्चे भी बैर, लड़की बैर गली में, पड़ोसियों के सोई है कई बारी, पड़ोसियों ने सड़ाई है जी। इसने जी पंचायत हुई थी लास्ट जी कल परसों, चौथे की बात है जी। उसमें जी यूनू बोलिया जोड़ कर मैं कुछ नहीं करना, एक इसका चाचा महावीर जी। हाँ। उन्होंने बोले मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले जाऊँ। हाँ। अरे करमवीर, करमवीर है जी, करमवीर। हाँ। ओम गार्ड में जी, वो अलेवा ड्यूटी है जी उसकी। हाँ। वो ले गया जी अपने उस पर विश्वास उद्यम पे जी, बोले कुछ नहीं होगा जी। हाँ। माम छः बजे तक जी उड़ी थे चौंकी में जी। हाँ। वो साढ़े सात बजे अपने घर भी ले गया जी उस लड़की ने। थोड़ा चाचू पे वह कन्याणा आएगी जी, उन्हें प्लान तो ओड़ी बना लिया था, कन्याणा आएगी लड़की। रात ने जी ने पाँच छः जने ने जी मिलकर उसको रस्सी के लोग घोटिया जी पहला। कुछ जी नशे की दवाइयाँ भी खिलाई गई है, चावल पिया गया जी। और जो छोटी लड़की है नी जी, उसने सारा देखा जी, खाट में पड़ी पड़ी ने, लेकिन वो बोली नहीं जी। जो आपकी बहन जी है उसकी? हाँ, उसकी जी। उसकी वीडियो भी है जी, सारा वो है जी। फिर लेकिन जी इन्हें सजा मिलनी चाहिए जी। और जी परसों तो गिरफ्तार हुए थे जी, और कल छोड़ दिए जी। वारदात को अंजाम कब दिया था? चौथे को दिया था जी। लड़की ने देखा नहीं तो? हाँ। कौन लोग थे वो जो मार? उनके नाम ले रखे जी उसने। हाँ। महावीर है जी, करमवीर है, करमवीर के दो लड़के हैं जी, एक गोविंद है जी, एक गो नहीं, नहीं, नहीं। उसका भाई महावीर है, महावीर, महावीर के दो लड़के संदीप अनिल और एक गोविंद है, एक गोविंद है जी, एक वकील, एक वकील है जी। ये लेडीज भी है, मूर्ति जी, मूर्ति जी है ये महावीर की। क्या लगा रिश्ते में, क्या लगा है इसकी बहन की नातू, रिश्ते में क्या लगा वो? ये जी ये क्या कह रहा है, जेठानी है, जेठानी है, जेठ है, जेठ देवर है जी। इन्होंने जी इसको रात को मारा जी, और पहला भी ने गली में पिट्टी जी महावीर के लड़के, दो तीन बार हरकत कर ली, हरकत कर ली जी। माम फिर भी को नहीं गए, राजी मंदा महा हो जगह, चलो ठीक है बस लगी छोरी। लेकिन जो यो जी महावीर उसका नाम करमवीर, उसने जी अपने विश्वास पर ले जाकर जी उसने हत्या करवाई लड़की की रात ने जी। आपके पास इसका क्या सबूत है? सबूत जी वो लड़की, लड़की बयान दे रही जी, मेरी बहन जी, मेरी बहन जी बयान दे रही जी। दो तीन बार एप्लीकेशन भी है थाने में। अच्छा। जिम्मेदारी पर ले गए था जी। तो बहन जी का फोन आया, पड़ोसियों ने फोन दे दिया उसके हाथ में, तेरे मामे से बात करो। नूली मामा मेरी माँ मार दी और खूंटी वाला लटक रही है। तो मैं उसी टाइम मैंने घर क्या था, थोड़ी लेट बताया, थोड़ा मैं खाना पीना चल रहा था, मैं थोड़ा बहुत खाए पी लेंगे, छः बजे का टाइम था। तो जी मेरे पर रुका नहीं गया, लेकिन मैं बता दिया मैंने
तो करके गलो फिर गाड़ी गुड्डी करी जी फिर वहां पर पहुंचे लत्ता था सिर्फ जी खुंटी में बंध रहा था जी और लत्ता जी गले में भी कोनी था जी नू पड़ी थी नीचे जी कितनी ऊंची थी खुंटी चार तीन साढ़े तीन फुट की खुंटी है जी नू कांध में गिर साढ़े पांच फुट की लड़की है जी नू कांध में गिर रही है खुंटी तीन या चार फुट। तो जी जब आप गए किनाना गांव में तो आपने कैसी परिस्थिति देखी परिवार वाला उनके परिवार सब बैठ रहे थे जी मतलब परिवार का कोई भी नहीं था जी लड़की ने छोटी लड़की ने जो मेरी बहन जी ने फोन करा लड़की की सात सात साल है फोन जी पड़ोसी पड़ोसी को बताया जी वो कई दौरा गई जी मेरी मम्मी मर गई मेरी मम्मी मैं रखी जी वो कई दौरा सूचना दी उसने जी फिर लोग कट्ठे हुए जी फिर मेरे द्वारा फोन आया जी मतलब किसी दूसरे के थ्रू फोन करवाया उस लड़की दूसरे के थ्रू दूसरे के जो जिस तरह वो गई जी तेरी असली मर रही ये तो उन्हें जी फोन करया जो लड़की है उसने क्या देखा किस तरह मारिया है कुछ देखा उसने हाँ उसने देखा जी उसने जी नुवले पहला तो चा में नशे की गोली पियाई साढ़े दस रात को जी फिर उसको जी घोटे गया जी रस्सी के साथ गला घोटा तो एक बात बताओ कभी सो रही थी या फिर जाग रही थी उस टाइम जिस टाइम उसकी हत्या करी नशे की गोली दे दी बेहोश हो बेहोश करके जी फिर जी उसको दूसरे घर ले गए जी कहाँ ले गए फिर मार कर ले आई जी आपको किस तरह पता चला कि नशे की गोली लड़की बता रही थी लड़की वीडियो लड़की दी ना आप जी वीडियो आप वीडियो सुनो जी वीडियो के आपने पता लग जाएगा आपस में विवाद किस चीज को लेकर था आपने बताया कि पहले पंचायत भी हुई है तो पता तो लगे जब कि विवाद किस चीज को लेकर विवाद वो शराब भी था जी वो गलत इंजाम लाए कर था और गांव में किनानों के लोग भी आ रहे 10-20 आदमी आ रहे वो भी भाई अच्छी लड़की अच्छी बहू थी जी ये कभी भी कोई इसने हरकत नहीं करी गाँव दिहाड़ी भी करी जी गाँव में उसका पेड़ उसका खुद है वो सर ने पीछे ले करता तड़की दारू पी ले करता अब दवाई ले आऊं जी कितने लोग उठाए गए आठ उठाए थे उनमें कोई भी यहाँ पे नहीं चौकी पे नहीं कुछ कार्रवाई करी पुलिस बिक रही है जी सब 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 पैसे में बिक रही है जी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी 300 तो का मुकदमा था जी हम भी और जी पांच जने गिरफ्तार करे थे जी हमारे शामी जी और ने रात को छोड़ दी सुबह माने पता लगे हम गांव में चले गए अंतिम संस्कार के लिए और इन्हें रात को वे बंदे छोड़ दिए जी पांचों जी अच्छा तो अभी आप 302 का मामला दर्ज होने के बाद भी वे बंदे छोड़ दिए इस कर का सुबह आए जी क्यों छोड़ते गए जी हम तो उनको गिरफ्तार को जी सजा मिलनी चाहिए जी उनको अभी अंदर जा रहे हैं जी बातचीत करने लगे उन्होंने आधा घंटा दिया जी हमारे को आधे घंटे के बाद बताएंगे जी क्या गिरफ्तार करेंगे पुलिस वाला था उसने बोलिया ये दूसरे के हवाला कर रखे हमने तो वे पेश हो जाएंगे हाँ। छोड़ दिए क्यों जी पेश हो लिए थे छोड़ दिए क्यों कैसे छोड़ दिए वो जी अंदर बोलिया जाओ जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर बैठो बाहर बैठो मारते धमकी देने पुलिस वाले कितने लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई चाहो आठ लोग है जी इन्होंने बहुत तंग करके मारी जी लड़की इनको सजा मिलनी चाहिए जी पूरी तकड़ी जी बात करो जी बुला लो जी।